adding here unrestricted variables. Unrestricted variables. जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को शुरू किया गया तो इसमें कुछ assumptions मान लिए। शुरुआत में एक assumption इसमें यह आया कि हमको प्रॉब्लम में जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं, प्रॉब्लम में जितने भी वेरिएबल दिए गए वो नॉन निगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करेंगे। कहा यह गया कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो या तो प्रोडक्ट बनेगा और या तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। निगेटिव मात्रा में प्रोडक्ट नहीं बन सकता है, यानी निगेटिविटी नहीं आ सकती। आइदर वेरिएबल प्रेजेंट और इट विल बी जीरो, या तो प्रेजेंट होगा या तो इसकी वैल्यू कैसी होगी, जीरो। प्रॉफिट कमाने की बात आई तो माना गया कि अगर आपके वेरिएबल आपका प्रॉफिट डिसाइड कर रहे हैं तो या तो प्रॉफिट होगा और या तो नहीं होगा, लॉस में आप जाने वाले नहीं हो। तो वहां पर ये हुआ कि आपके जितने भी डिसीजन वेरिएबल हैं, जैसे मशीन पे काम करना होगा तो या तो आप मशीन का यूज करोगे और या तो मशीन का यूज नहीं करोगे। टाइम आवर्स, या तो आप अपने घंटों का इस्तेमाल करोगे और या तो घंटों का इस्तेमाल नहीं करोगे। नेगेटिव में चीजें जाने वाली नहीं, यही सारी बातें हुई थी। लेकिन रियल लाइफ में हमेशा ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जिन वेरिएबल को, जो वेरिएबल आपको डिसाइड कर रहे हैं, जिनको डिसीजन वेरिएबल कहा जाता है, उन वेरिएबल की वैल्यू कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है। तो जब ये कहा जाए कि आपकी प्रॉब्लम में कोई दिया गया वेरिएबल कैसा हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड, मतलब उसने बाउंडेशन को मानने से इनकार कर लिया, अब उस वेरिएबल की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, उस वेरिएबल की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, उसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। एलपीपी क्या कहता है? एलपीपी कहता है assumptions ये है कि आपके जितने डिसीजन वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए। लेकिन अगर आपके न्यूमेरिकल में ऐसा कोई वेरिएबल आ गया जिसके बारे में कहा गया कि ये वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है, मतलब वो वेरिएबल पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है, नेगेटिव ले सकता है, जीरो ले सकता है, जैसी मर्जी वैसी वैल्यू वो ले सकता है। परिवार के सारे मेंबर है, एक दूसरे की बात को मान रहे हैं, वो सारे कैसे हैं? रेस्ट्रिक्टेड है। परिवार रेस्ट्रिक्टेड है तभी चलता है। ठीक, मुखिया कह रहा है कोई बात, लोग मान रहे हैं, एक दूसरे की बातों को माना जा रहा है। एक मेंबर ऐसा हो गया परिवार में जो ये कहा है कि तुम लोग जो कहोगे हम वो नहीं मानेंगे, बाकी सब मानेंगे। तो अब परिवार वाले जितना कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है। परिवार वाले उसको कहे जो भैया ये सामान खरीद करके लाओ, वो सारा सामान ले जाकर के जुआ खेल दिया, तो परिवार के लिए नेगेटिविटी हो गई कि नहीं हो गई? उसको दिया गया पैसा कि जाओ सामान खरीद करके लाओ, वो सामान खरीदने के लिए गया लेकिन उसका मूड हो गया जुआ खेलने का, उसने सामान खरीदा नहीं, उसने जुआ खेल लिया, गाना पी लिया, कुछ भी कर लिया, उनको नशा पत्ती का मूड है। तो अब ये फैमिली के लिए कैसे बैठ गए? नेगेटिव हो गए। ऐसे जो वेरिएबल थे ना, इनको कहा जाता है अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, जिनको आप बांध नहीं सकते हो। मैथमेटिक्स कहते हैं, एलपीपी में कहा जाता है कि अगर आपका कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया तो आप एक काम कीजिए, आप उस वेरिएबल को दो अलग अलग वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिख दीजिए। अगर आपका कोई वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड हो गया तो आप उस वेरिएबल को रिप्लेस कर दीजिए दो अलग अलग वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर, और ये दोनों वेरिएबल रेस्ट्रिक्टेड होने चाहिए। मतलब अनरेस्ट्रिक्टेड लिख रहे हैं लेकिन किसकी वजह से? रेस्ट्रिक्टेड लोगों, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब था बंधा हुआ, जिसको आपने फिक्स कर दिया कि आपकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी, बांध दिया है, नेगेटिव नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हम किसी एलपीपी को सॉल्व कर रहे हैं और उस एलपीपी में कहा गया कि X4 कैसा हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड, ये आपका कैसा हुआ अनरेस्ट्रिक्टेड, यानी सामने वाला कह रहा है कि X4 की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। चलो थोड़ी देर के लिए मैंने कह दिया कि X4 की वैल्यू कितनी हो गई, -10। X4 की वैल्यू -10 हो गई, तो हम क्या करेंगे, X4 को रिप्लेस कर देंगे दो वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर। हम लिखेंगे नाउ X4 इज रिप्लेस्ड बाई X4-X4". दो अलग, जहां पर X4- और X4" ये दोनों रेस्ट्रिक्टेड होंगे, बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और ये हमेशा किया जा सकता है। कैसे? सुनो, कुछ ना खास्ता X4- की वैल्यू आप सॉल्व करो, ये कितनी मिल जाए आपको, 20 मिल जाए, और आप X4" की वैल्यू सॉल्व करो और ये आपको कितनी मिल जाए, 30 मिल जाए, ये कितना हो जाए 30। तो अब जरा गौर करो, X4- -X4" कितना आएगा, -10, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ X4। काम हो गया कि नहीं हो गया? तब कहा जाता है कि अगर आपका कोई भी वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड है तो आप उसको दो अलग अलग रिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिख सकते हैं। आई बात है समझ में? लिखना इसी सारी चीज को। देखो, यूजुअली इट इज अज्यूम्ड
साधारणतः ये मान लिया जाता है कि इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द वेरिएबल्स xj should be all the variables xj should be या should have कर लेना should have non negative should have non negative values full stop. In many practical situations, अभी हम तो ना बिजनेस एनवायरनमेंट में भी बताएंगे कि बिजनेस एनवायरनमेंट में भी वेरिएबल आपके लिए नेगेटिव बैठ जाते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि बस खाली एक एग्जांपल हो गया कि घर का कोई मेंबर ऐसा हो गया जो घर की बात ना हो, ना बिजनेस में भी ऐसा होता है। हम कहते हैं या तो सामान बनेगा या तो सामान नहीं बनेगा, या तो सामान आपको प्रॉफिट कमाएगा या तो नहीं कमाएगा, लेकिन लॉस आपको नहीं देगा। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता है, रियल लाइफ में कंपनियां वगैरह जो होती है, जो बिस्किट वगैरह बनाती है, बिस्किट की क्वालिटी भी कितनी होती है, 6 महीने की। 6 महीना तो वो ISI से प्रमाणित करती है कि आप 6 महीने तक आप ऐसा काम करोगे, 6 महीने तक ये खराब नहीं होगा। एक्चुअल होता है वो 6 महीने के 2 महीने और भी टिक सकते हैं, वो 8 महीने तक ना खराब हो, लेकिन 8 महीने के बाद वो खराब होगा कि नहीं। और अगर वो बिका ही ना मार्केट में, तो निश्चित तौर पर कंपनी ने जितने प्रोडक्ट बनाए वो सब अब कंपनी को क्या दे रहे होंगे, लॉस दे रहे होंगे। तो वो सारे लोग कंपनी के लिए कैसे हो गए, नेगेटिव हो चुके हैं। क्लियर है? बाई प्रोडक्ट जो आपका बन जाता है, जैसे हम लोग कहते हैं कि जब गन्ना वगैरह होता है तो गन्ने का जूस बनाया जाता है, जब गन्ने से जूस निकाला जाता है तो उस दौरान जो खोइया निकल करके आती है वो बाई प्रोडक्ट हो गया कि नहीं। आपने लोग एक न्यूमेरिकल किए हैं बाई प्रोडक्ट का, याद है? प्रोडक्ट ए बी सी बनाया जा रहा था, उसमें से सी बाई प्रोडक्ट बन रहा था। ए और बी ही बना रहे थे और सी बाई प्रोडक्ट था। सी की मार्केट में बहुत ज्यादा यूनिट बिक नहीं सकती थी और एक वक्त के बाद आपको सी को डिस्ट्रॉय करना पड़ता था, उसकी भी आपको लागत आती थी। तो ये आपके लिए क्या बैठ रहा था, निगेटिविटी आपके लिए हो रही थी। ठीक, इन्हीं सारी सिचुएशन को डील कर लें। इन मैनी प्रैक्टिकल सिचुएशंस हाउ एवर one or more of the variables can have either positive, negative, or zero value. Full stop. Variables which can assume positive, negative, or zero value are called unrestricted variables. ऐसे वेरिएबल जो पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल्स। नोट कर। अब जो ऐसी कंडीशन आ गई कि न्यूमेरिकल में आपको कह दिया गया कि आपका फला वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड है इन साइन, मतलब कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो उसके लिए उसको रिसॉल्व करते कैसे किया जाएगा, वो हेडिंग डाल देना, रिसोल्यूशन ऑफ सच कंडीशन resolution of such condition. ऐसी परिस्थितियों से बाहर आना, resolution.
बोले लैंग्वेज लिखना, इफ एनी वेरिएबल बिकम्स अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, इफ एनी वेरिएबल बिकम्स unrestricted in sign, then express it, तब आप इसको लिखिए express it. लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर रहे हैं. एज द डिफरेंस ऑफ टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स तब आप इसको एक्सप्रेस कीजिए दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिख दीजिए. नोट करो और एक काम कर देते हैं, हम लोगों की अटेंडेंस तुरंत हम लोग इसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे. थ्योरी लिखो तो न्यूमेरिकल की शुरुआत करें. बहुत सिंपल सी थ्योरी है ये सब. पूरा ये सब लिखने की जरूरत, मतलब लिख तो लो, लिखने की जरूरत नहीं, कहने जा रहे ना, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है. केवल और केवल एक काम दिमाग में रखना, एलपीपी को सॉल्व करते वक्त इनिशियल में ही एजम्पशंस लिखा गया था कि आपके जितने भी डिसीजन वेरिएबल होते हैं वो सारे के सारे नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने चाहिए. इवन हम लोग हर न्यूमेरिकल के लास्ट में नॉन नेगेटिविटी को बता रहे हैं कि ऑल द वेरिएबल एक्स आई मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो. कभी कभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल सिचुएशन आपकी ऐसी होती है जिसमें आपका कोई वेरिएबल वो आपके लिए नेगेटिव बनेगा ही बनेगा, निश्चित तौर पर वो आपके लिए नेगेटिव बनेगा. और ये रियल लाइफ में बहुत बार तुमको मिलता है. हर बार जैसे एक टीचर जो तुमसे बहुत प्रेम से बोलेगा तो तुम्हारे लिए नेगेटिव बन रहा है, वो तुम्हारी किसी भी गलती पर तुमको डांटेगा नहीं करता ही, वो तुम्हारे लिए नेगेटिव बैठेगा. और जबकि उसको होना क्या चाहिए था, नॉन नेगेटिव होना चाहिए था. तो ऐसे वेरिएबल जो आपके लिए नेगेटिविटी लेकर आ रहे हैं वो अपना साइन कुछ भी कर सकते हैं, या नेगेटिविटी ला रहा है तो सिर्फ नेगेटिव साइन रखेगा. इसीलिए इस शब्द का इस्तेमाल किया था अनरिस्ट्रिक्टेड, जो साइन में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता. या तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, पॉजिटिव देगा तो बहुत अच्छी बात है, हमको वही चाहिए था. या तो कभी ऐसा आएगा वो अपने आप की वैल्यू कैसी कर लेगा नेगेटिव, वो मेरे लिए दिक्कत बना. और या वो अपनी वैल्यू कभी क्या कर लेगा जीरो. ना उसको जीरो पर दिक्कत है, ना उसको पॉजिटिविटी में दिक्कत है. लेकिन जिस दिन वो अपनी वैल्यू नेगेटिव दे रहा होगा उस दिन उसको उसकी वैल्यू में दिक्कत आ जाएगी. तब कहा जाता है आप इस कंडीशन से बाहर आने के लिए केवल एक काम कीजिए, आप अपने अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को दो वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिख दीजिए, लेकिन ये दोनों वेरिएबल रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए इन साइन, यानी बोथ आर नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स. न्यूमेरिकल लिखना है, न्यूमेरिकल देखना. So that maximize z is equal to 3x1 plus 2x2 plus x3 subject to constraint subject to constraints 2x1 plus 5x2 plus x3 is equal to 12.
दूसरा है 3x1 3x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 11। x2 कॉमा x3 बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x2 कॉमा x3 बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड x1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। x1 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। प्रॉब्लम दी गई, गोल किसका है? गोल है मैक्सिमाइजेशन का। तो मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस, इस दिए गए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मैक्सिमाइजेशन करना है, एक काम हुआ। दूसरा सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, और ये जो आपकी प्रॉब्लम है ये नीचे लिखी गई शर्तों को सब्जेक्ट कर रही, महसूस कर रही, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ऐसी शर्तों को मानना या ऐसी शर्तों पर बात करना। शर्त क्या दी गई है? x2 और x3 तो नॉन नेगेटिविटी को फॉलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका x1 साइन में कैसा है? अनरिस्ट्रिक्टेड। हम क्या करेंगे? अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल को दो वेरिएबल के डिफरेंस के तौर पर लिखेंगे, यानी नाउ बी रिप्लेस x1 बाय x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, यही लिख दिया जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन सबसे पहला काम x1 को रिप्लेस करना, लिखना रिप्लेस x1, रिप्लेस x1 बाई x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, वेयर जहां पर वेयर x1 डैश कॉमा x1 डबल डैश बोथ आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। आप अनरिस्ट्रिक्टेड वेरिएबल x1 को x1 डैश माइनस x1 डबल डैश से रिप्लेस कर दीजिए, जहां पर पहला वेरिएबल x1 डैश और दूसरा x1 डबल डैश, ये दो के दोनों वेरिएबल आपके कैसे रहेंगे? नॉन नेगेटिव रहेंगे, यानी नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते रहेंगे। क्लियर हुआ? अब आपका जो मेन फंक्शन है, या सॉरी अब आपका जो मेन न्यूमेरिकल है वो मॉडिफाइड हो जाएगा। लिखना स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म। प्रॉब्लम किसकी है? मैक्सिमाइजेशन की है। ठीक, शुरुआत कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 3 × x1 - x1 डबल डैश प्लस 2 x2 + x3। आगे जगह छोड़ देना, क्योंकि अब हम जिन वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो स्लैक हो, चाहे सरप्लस हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उनका कोफिशिएंट क्या रखा जाएगा, ये बात की बात है। पहले हम लोग नीचे कांस्टेंट तैयार कर रहे हैं, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट एसटीसी, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, इन पर बोलो 2 × x1 - x1 डबल डैश प्लस 5 x2 + x3। और ये बताओ बराबर का साइन लगा है? बराबर का साइन है तो कौन सा वेरिएबल? आर्टिफिशियल। तो पहला आर्टिफिशियल वेरिएबल प्लस कितना? a1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12। अगला बोलना 3 × x1 - x1 डबल डैश प्लस कितना? 4 x2। और फिर से बराबर का साइन, तो अगला आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 इज इक्वल टू कितना? 11। और लास्ट में नॉन नेगेटिविटी एंड x1 डबल डैश कॉमा x2 कॉमा x3 ऑल आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वेयर जहां एक और छूट गई, दो छूट गई, a1 a2 वो भी तो आर्टिफिशियल है, a1 a2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, वेयर जहां पर वेयर a1 a2 आर आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ये बताओ जब आपने आर्टिफिशियल का इस्तेमाल किया तो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल का कोफिशिएंट कितना रखेंगे? आर्टिफिशियल का कोफिशिएंट कितना रखेंगे? माइनस m। ठीक है, मैथड लगाने चल रहे हैं, पता नहीं किस दुनिया में सोई पड़ी हुई है ना।
कौन कौन बचा? अटेंडेंस करो, ये बताओ। शुरुआत में बताया गया था जब बिगन मेथड से सॉल्व कर रहे होंगे तो अगर केस मिनिमाइजेशन का है तो अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आर्टिफिशियल का कोफिशिएंट कितना लगाया जाएगा? प्लस एम। और अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो कितना लगाएंगे? माइनस एम। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, अब स्टैंडर्ड में देखना, दो आर्टिफिशियल इस्तेमाल किए तो माइनस एम ए वन माइनस एम ए टू, अब ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। आई बात समझ में? नोट करो सर। नितिन कुमार, अभय त्रिपाठी, अभिषेक कुमार, शिवम यादव, संदीप, आशीष, अभिषेक यादव, रोहित कुमार, अंकित यादव, सौरभ यादव, संध्या, अनामिका, काजल, रिजवाना, आचल, अनुप्रिया, प्रियांशी, रिशिता, उजाला, अंशिका, आरजू, प्रियांशु, आयुषी, रिया, तुम हो, अर्पिता, सुभी, नेहा, श्वेता, किसी और के अटेंडेंस मत लिखना, ये याद रखना, किसी और के अटेंडेंस तुमको किसी मुश्किल में फंसा देगी ना। श्वेता वर्मा, श्वेता वर्मा, ये तुम्हारे नाम है श्वेता वर्मा? यस सर, पक्का? यस सर। उसको अटेंडेंस ना उन्हीं की चाहिए बस, खाली जो मौजूद है और बाकी नहीं चाहिए ना। यारी दोस्ती में कोई अगर अटेंडेंस लगा दिया किसी का तो वो खुद ही आपको देगा। एक ग्रुप फंसे थे, ग्रुप में अटेंडेंस लगा दें ना, क्लास में नहीं है, ग्रुप में अटेंडेंस लगा दें। महान लोग हैं, ऐसा नहीं कि महान लोग नहीं, अपना क्लास नहीं आए और ग्रुप में अटेंडेंस लगाया, क्या वजह लगा रहे हैं? मतलब इतना बैल बुद्धि आदमी, हम तो कहते हैं यार भैया ये बैल बुद्धि कहाँ है ना, इतना बैल बुद्धि आदमी अटेंडेंस कब लगा रहे हैं? समझो 7:30 बजे दुनिया अटेंडेंस लगा चुकी सुबह ग्रुप में, हर को अटेंडेंस लगा रहे हैं 7:30 बजे समझो ना। वो निशाचरी माया जो होती है वो रात में बड़ी प्रबल होती है, जब उच्चा लगाई एकदम अच्छे से तो शाम को आकर के अटेंडेंस लगा रहे हैं। वैसे कंडीशन बुरी है ना, सामने भाई है बस, पता है यही यही गलती अगर फर्स्ट ईयर का लड़का किया होता तो दूसरे दिन बल भय पढ़े उसको, तो बल भय तोड़ते जाते जहां जानते वहां। लेकिन ये गलती थर्ड ईयर वाले करते, थर्ड ईयर को पता नहीं क्यों थर्ड ईयर को सुपर सीनियर मानते हैं, थर्ड ईयर के ऊपर हम मेहरबान हैं, थर्ड ईयर को डांट करके काम चला। फर्स्ट ईयर वाले को बिल्कुल नहीं पता है ना, फर्स्ट ईयर वाला अभी कच्ची मिट्टी है, उसको गढ़ना, उसको गढ़ेंगे तो आखिरी तक सही सलामत चलेगा। इसलिए उनको गढ़ने के लिए ना जहां जहां से खोट निकालना वहां वहां से खोट निकाल दिया जाता है, उनको गढ़ने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। रिस्क फैक्टर होता है, डिग्री कॉलेज में आप ये काम कर रहे हो ना, बड़ा रिस्क फैक्टर है। दादा ने कितनी बार ऐसा हुआ जब एकाध लड़के को बजट दिए हैं तो वो बुला करके लेकर के आ गए, आइए सर जी आपसे भिड़ते हैं ठंड से, वो भी तैयार है। लेकिन सुधारने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, बाय हुक और बाय क्रूक क्लास चलनी चाहिए और सही सलामत चलनी चाहिए, ऐसे थोड़ी चल पाएगा। अब वो नहीं आए 7:30 बजे अटेंडेंस लगा लेंगे, हंसी आ रही है उनके ऊपर, गुस्सा भी लग रही है, तो 7:30 बजे अटेंडेंस लगा रहे, खाना पीना खा करके पेट भरा होगा, एक कतार आई होगी तो याद आया होगा अटेंडेंस छूट गई, यार तो लगा दे, कलाकार है। अच्छा गलती भी करेंगे, सामने बोल दो ना तो बुरा भी लग जाएगा, ऐसे फूल के गुब्बारा हो जाएंगे, बुरा लगेगा तो फिर क्यों एकदम गुब्बारा हो गए, अब तो बस तो चलो तो इससे सब जी घोट करके पी जाए। सुनो अगला काम होगा इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप का, सुनो इधर ध्यान दो, अगला काम कौन सा? इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप, हेडिंग डालो इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप, हेडिंग डालो इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप।
इनिशियल सॉल्यूशन सेटअप, बराबर के ठीक लेफ्ट साइड में लोगों को बचाना है, बाकी सबको हवा में उड़ा। सारी वैल्यू कितनी रख देंगे? जीरो। बोलो x1 डैश कितना रख दें? जीरो। x1 डबल डैश जीरो। x2 जीरो। x3 जीरो। बच्चे का केवल a1 बराबर 12 और a2 बराबर 11। क्लियर हुआ ना? लिखना टेक x1 डैश इज इक्वल टू x1 डबल डैश इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x3 जीरो। दिस इंप्लाइज दैट A1 is equal to कितना आया? 12 और आपका A2 is equal to कितना आया? 11। आओ टेबल सेटअप करते हैं। अभी हेडिंग डाल देना टेबल सेटअप। टेबल में सबसे पहला कॉलम क्या होता है? CV, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। ठीक। दूसरा कॉलम होता है कैपिटल B, वेरिएबल इन बेसिस, कौन कौन से वेरिएबल आपके बेसिस में गए। तीसरा कॉलम होता है b, that is equal to xb, यानी वैल्यू ऑफ बेसिक वेरिएबल। अब आपके वेरिएबल का कॉलम, पहला वेरिएबल x1 डैश, अगला वेरिएबल x1 डबल डैश, अगला वेरिएबल x2, अगला वेरिएबल x3, अगला वेरिएबल a1, इसके बाद अगला वेरिएबल a2। अच्छा, ऊपर कौन होता है? यहाँ पर cj। आओ cj कौन है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो आपका गोल है ऑब्जेक्टिव, उसमें आपके वेरिएबल का कोफिशिएंट बोलो क्या क्या है। एक्स वन डैश का कोफिशिएंट 3, एक्स वन डबल डैश का कोफिशिएंट -3। आपको ख्याल रखना -3 है, ये -3 है, ध्यान दिए रहना, थोड़ा सा वहां पे अजीब सा बोर्ड। अच्छा, एक्स टू का कोफिशिएंट 2, एक्स थ्री का कोफिशिएंट 1, ए वन का कोफिशिएंट -10 और ए टू का -10। कौन कौन से वेरिएबल बेसिस में एंटर किए? a1 और a2। तो यहाँ पर लिख रहे हैं वेरिएबल इन बेसिस, a1 आया और कौन आया? a2 आया। ठीक। इनका कोफिशिएंट गोल में आपके कितना है? -m। तो यहाँ हो गया -m, यहाँ हो गया -m। वैल्यू कितनी आ रही है इनकी? a1 की कितनी आ रही है? 12 और दूसरे की 11। नोट कर, x1 डैश का कोफिशिएंट बोलो 2 और 2, 3 दोनों रहेगा ना। तो यहाँ पहले में 2, दूसरे में 3, इसका -2 -3। ठीक है, x2 का कोफिशिएंट बोलो 5 और 4, x3 का कोफिशिएंट 1 और 0, a1 का 1 0, a1 का कोफिशिएंट हो गया 1 0 और a2 का 0 1। टेबल बन चुकी। अब कैलकुलेशन यहाँ पर किसकी होगी? ZJ की। और फिर कैलकुलेशन होगी CJ माइनस ZJ। अब काम आगे बढ़ेगा। कल संडे है, कल एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर एक वीडियो लेक्चर उनको जरूर मिलेगा। ठीक, 100% श्योर, कल एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर एक वीडियो लेक्चर जरूर मिलेगा। तो कल का लेक्चर जहां आज खत्म होगा इसी के आगे से शुरुआत रहेगी। ठीक, जहां दिक्कत होगी जब अपनी क्लास लगेगी मार्क करके रखे रहना, कोशिश करेंगे कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाएंगे, लेकिन अगर फिर भी कहीं पर दिक्कत आई, कोई कंफ्यूजन आई, ठीक, तो वहां मार्किंग करके रख लेना, जैसे क्लास आएगी उस क्लास में पूछ लेना। ठीक, यहाँ इसलिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं बुला रहे, यहाँ पे कुछ हाल खबर पता नहीं, कुछ अभी किसके पास है किसके पास नहीं खोजने नहीं, वरना यहीं बुला करके यहीं बुला। हो गया हो तो ZJ कैलकुलेट करें, किया जाए। सुनो, ZJ का कैलकुलेशन जो लोग नहीं जानते वो लोग जान, इसको छोड़ना मत, ये कॉलम कत ही मत छोड़ना। ठीक, ये कॉलम इसको ना मान लो कि ये कॉलम पूरे एलपीपी में माई बाप है, सीवी के कॉलम को आप छोड़ नहीं सकते। अब आओ एक्स वन डैश के पास 2 है, 2 को माइनस एम में मल्टीप्लाई करो कितना आया? -2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना? -3 है। दोनों को जोड़ो, -2 में -3 कितना हुआ? -5m। ये रहा, इनको बोलो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 3m 2m कितना हुआ? 5m। ठीक, अगले में देखना 5m सॉरी -5m -4m कितना हुआ? -9m। अगला बोलो -m, अगला बोलो कितना? -m, अगला कितना? -m।
ये तो निकल गया कौन जेड जे, अब बारी किसकी सी जे माइनस जेड जे, तो ऊपर कौन मौजूद सी जे, नीचे कौन जेड जे, ऊपर नीचे सी जे से निकलो फाइव माइनस माइनस फाइव कितना आपको, हाँ सॉरी थ्री माइनस माइनस फाइव कितना थ्री प्लस फाइव सहमत हो, अगला सुनो माइनस थ्री माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस फाइव टू माइनस माइनस नाइन यानी कि टू प्लस नाइन एम, कुछ ऐसा लिखना ना मिक्सअप ना हो, थोड़ा सा पतला हो रहा है, वन प्लस एम वन प्लस एम अगला जीरो और अगला कौन जीरो सीजे माइनस जेड जे आ गया, पता है मैक्सिमाइजेशन का केस है, केस किसका मैक्सिमाइजेशन का, तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी क्या होती है, कंडीशन ऑफ ऑप्टिमलिटी क्या होती है, लार्जेस्ट पेनाल्टी, अब मेरे को इसमें से खोजना है ये पॉजिटिव मार्किंग कर रहे हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, अगर सिंगल एक भी पॉजिटिव रह जाता है तो करंट में आया हुआ सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, अभी आपको अपने सॉल्यूशन को निखारना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉजिटिव में से जो लार्जेस्ट पॉजिटिव है उसको सिलेक्ट करेंगे, अब मुझको पता है एम का कोफिशिएंट जहां सबसे बड़ा होगा वही लार्जेस्ट होगा, टू प्लस नाइन ये लार्जेस्ट होगा, कैसे पता चलता है, आप जो मर्जी एम की वैल्यू को सिलेक्ट कर लो बड़ी से बड़ी, जैसे हम एम बराबर सौ ले लिए लार्जेस्ट पेनाल्टी है, एम बराबर सौ ले लिए तो सौ बड़े नौ कितना हो गया नौ सौ, तो ये दो जुड़ा नौ सौ दो और यहाँ कितना आता पांच सौ तीन आता, यहाँ कितना आता है एक सौ एक आता, तो हाईएस्ट कहां पर आया ये, तो ये आपका लार्जेस्ट पॉजिटिव है, इसके नीचे एरो लगा, इसके नीचे एरो लग के अब गौर करना, इसको मिलने लार्जेस्ट पॉजिटिव ठीक, इसके ठीक सामने ऊपर कौन सा वेरिएबल है एक्स टू, तो एक्स टू बेसिस में एंटर करेगा, एक नाम एक्स टू एंटर एक्स टू एंटर द बेसिस एक्स टू एंटर द बेसिस ठीक, कौन बेसिस को छोड़ करके जाएगा ये निकलेगा मिनिमम एक्सचेंज रेशियो से, एमआर मिनिमम एक्सचेंज रेशियो क्या होगा, ये होगा आपके पास एक्स बी अपॉन कौन इंटर कर रहा है एक्स टू, तो एक्स बी अपॉन एक्स टू, ध्यान देना एक्स टू के ठीक ऊपर यहाँ यहाँ पांच और चार ये दोनों मौजूद है, अब आप एक काम करो एक्स बी में कौन है बारह, बारह को पास है करस्पॉन्डेंस में जाना है, तो ये हो गया बारह बटे पांच, अच्छा यहाँ ये हो गया ग्यारह बटे चार, मिनिमम कौन है बारह बटे पांच मिनिमम, अगर इसको डिवाइड करें तो पांच दूनी दस कितना 2.4 और इसको करें तो 2.7 तो ये आपका मिनिमम है, इसके आगे एरो लगा दो और इसके ठीक पीछे जाओ तो कौन मौजूद है A1, A1 लीव द बेसिस X2 इंटर द बेसिस, A1 लीव द बेसिस A1 लीव द बेसिस और दोनों के टकराव में की एलिमेंट कितना बन गया 5, ये आपका कौन हुआ की एलिमेंट, लिख लो टेबल पे पूरा, फटाफट ये टेबल कंप्लीट करो तो अगली बनाए, काम पता है क्या करना है, नई टेबल के लिए सबसे पहला काम करेंगे की एलिमेंट को कितना बनाएंगे वन, किस ऑपरेशन का इस्तेमाल करके रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करके की एलिमेंट को वन बनाएंगे, की एलिमेंट जिस कॉलम में मौजूद है उस कॉलम में की एलिमेंट को छोड़ करके ऊपर नीचे मौजूद हर एक को क्या बना देंगे जीरो बना देंगे, यहां पर लिखना है इस बात को की एलिमेंट, की एलिमेंट इज इक्वल टू फाइव does not equal to 1, so for new table, नई टेबल के लिए बदलाव कैसे करेंगे वो सुनना, आर वन न्यू जो नई बनने वाली फर्स्ट रो होगी वो होगी आर वन ओल्ड, पुरानी वाली पहली रो में डिवाइड लगा दो कितने का 5,
जो आपकी नई वाली रो बन रही है पहली रो, वो कैसे बनेगी? पुरानी वाली पहली रो में 5 से क्या लगा देंगे? डिवाइड लगा देंगे। अगला आर टू न्यू, नई बनी हुई सेकेंड रो कौन होगी? ये बताओ, ये तुमको अब कितना नजर आ रहा है? 1। डिवाइड करने के बाद कितना नजर आया? 1। नीचे कौन है? 4। तो ऊपर 4 से गुणा करके नीचे घटा दिया जाएगा। तो आर टू न्यू इज इक्वल टू आर टू ओल्ड, पुरानी वाली सेकेंड रो में से घटा देंगे 4 गुना आर वन न्यू का। अब सारा काम आगे बढ़ा, टेबल बन गई है सबकी, बाकी है लिखो, बनाओ फटाफट बनाओ। दोबारा री एंटर नहीं करेगा, तो नई टेबल के लिए हम लोग A1 का कॉलम डिलीट कर देंगे। देखो डिलीट कर, अब A1 का कॉलम डिलीट कर दिया, अब उसको दोबारा कंसीडर नहीं करेंगे। सुनो, शुरुआत करते हैं। इस पूरी रो में यहां से लेके वहां तक 5 से आपको डिवाइड लेना है। बोलो ये कितना हो जाएगा? 12/5। ये हो गया 12/5। ये आपका हो जाएगा 2/5। 2/5 ये जाएगा -2/5। और ये कितना हो गया? 1 हो गया। तो इसको हम 1 कर दे रहे हैं। अच्छा, ये मेरी तरह घेरा मत बनाना, ये घेरा आप ये मिटा दे, वो मैं जानबूझ करके इसलिए उसको रखते हैं ना कि यहीं से मुझको काम करना है। ठीक, इसके बाद ये कितना? 1/5। ये हो गया 1/5। और ये कितना रहेगा? सेम। चलो मिनिमम एक्सचेंज रेशियो मिटा दे रहे हैं, अब इसको फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगले पर आप काम क्या करना है, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले में से घटाना पड़ेगा। तो इधर देखना, 12/6 = 48, ये कितना हो गया? 48/5, नीचे वाले से घटाना है। 11 - 48 / कितना? 5। एक काम करो ना, इसको कर दो 55/5, आया ना 11/55। अब ये बताओ 55 और 48 घटाना है, 48 + 5 = 7, कितना है? 7/5। ये हो गया आपके पास 7/5। अब सुनो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करना और नीचे घटाना है, 4 × 8 = 5, 3 - 8/5। फिर वही काम करो, कितना? 15/5, कितना? 8 × 2 = 10, 5, 5 × 2 = 7, 7/5। ये कितना हो गया? कैलकुलेशन सही सलामत देखे रहना, 7/5। ये शायद -7/5 होगा, कितना? -7/5। और ये 4 × 4 = 4, 4 × 4 = 0 जीरो हो जाएगा। 4/5 घटाओगे तो -4/5, और ये आपका 1 ही रहेगा, इसको 1 ही रहेगा। ठीक, अब फिर से वापस पूरा कैलकुलेट करेंगे। अब ये की एलिमेंट जो लिखे थे ये निकाल, नई टेबल ये सामने मौजूद है। मेरा अगला काम फिर वही होगा, मिनिमम एक्सचेंज रेशियो कैलकुलेट करने का, जो होगा XB/, वो देखेंगे कौन बेसिस में इंटर करता है। जिड़जे निकलवाओ, जिड़जे 2 × 4 = 4, 4/5 -7/5, तो इसका मतलब हुआ 4/5 -7m/5, कितना? 5। आगे तो ये होगा -4/5 + 7m/5, -4/5 +
सेवन एम अपॉन कितना 5, ये होगा 2। अगला कौन होगा, 2/5, 2/5 और प्लस 4 एम अपॉन कितना 5। अगला कौन होगा, 200 माइनस एम माइनस, आओ घटा सीजे माइनस जेजे, 3 माइनस दिस, तो 3 माइनस करोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, ये बनेगा 7m by 5 और 3 माइनस 4 by 5 कितना 11 by 5 प्लस के साथ ना प्लस 11 by 5 सही है। अगला काम माइनस 3 माइनस दिस, तो माइनस 3 माइनस इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट माइनस 7m by 5 माइनस 11 by 5 चेक कर लो यही होगा। 2 माइनस 2 0, 1 माइनस दिस तो माइनस 4m by 5 और 1 माइनस 2 by 5 एक के 5, 5 में से 2 गए 3 तो प्लस 3 by 5 और माइनस है माइनस 0। क्या सारे नेगेटिव है, क्या आल सीजे माइनस जेजे लेस देन आर इक्वल टू 0 है? नहीं, पॉजिटिव बने हुए हैं। कौन कौन से पॉजिटिव बने हैं, ये अकेला पॉजिटिव बना है, बाकी तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दिक्कत खत्म। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव कौन रहा, ये लार्जेस्ट पॉजिटिव, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, लार्जेस्ट पॉजिटिव एक्स वन एंटर द बेसिस, एक्स वन डैश एंटर द बेसिस, एंटर द बेसिस, कौन बेसिस को छोड़ करके जाएगा, वो होगा xb अपॉन x1 डैश। चलो भैया बोलो, x1 डैश 12/5/2/5, 12/5/2/5 यानी 12/2 लिख दे पूरा पूरा, 12/5/2/5 दैट इज इक्वल टू 7/5/7/5 1, तो मिनिमम कौन हुआ ए टू लीव द बेसिस, ए टू बेसिस को छोड़ करके जाएगा, की एलिमेंट पता चला, की एलिमेंट इससे ऊपर चढ़ो उससे पीछे 7/5, ये आपका हुआ की एलिमेंट, की एलिमेंट नोट करो, टेबल फटाफट नोट करो, तो आगे चलो, ऐसी जगह पहुंच गए ना, 36-4 मिनट हो गया, वैसे इतना सीख चुके हो कि बाकी वाला काम तुम लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, आंसर मैच करेगा नहीं करेगा, ओ पीछे तुम्हारा आया कल वाला सर अर्पिता, कल वाला नहीं आया, रुक के रहा, अच्छा कैसे लगेगा वो नहीं समझ में आता ना, वो मिक्स टाइप की इनइक्वालिटी है, वो हम आगे करवाने वाले हैं, फिर भी जो लोग लगा रहे हैं मिक्स टाइप में जल, तुम ये गौर करो ना, हम हर इक्वलिटी को एक तरफ बैलेंस करके चल रहे, पहले हमने सारे करवाए लेस देन के, फिर हमने सारे करवाए ग्रेटर देन के, फिर हमने करवाए जिसमें बराबर वाला साइन आ रहा है, ठीक, अब मिक्स टाइप का जिसमें ग्रेटर देन लेस देन बराबर सब आएगा, तो उसमें यही चीज होता है, उसमें आप सब इस्तेमाल करो, आर्टिफिशियल स्लैग सरप्लस सब इस्तेमाल करो और सॉल्व हम करेंगे एज इट इज, जैसे हम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक मिक्स टाइप का लगा, टाइम बचता जाते इस तरह से बचेगा नहीं, जाते जाते बता दीजिए कैसे होगा, तो लगा सकते हैं, चले कुछ मिटाया जाए, आप सबसे पहले की एलिमेंट को क्या बनाना पड़ेगा, 1, कैसे बनेगा, ये कौन है 7/5, इस पूरे में 5/7 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिख रहे हैं की एलिमेंट, की एलिमेंट इज इक्वल टू 7/5 डज नॉट इक्वल टू 1, सो फॉर न्यू टेबल, सो फॉर न्यू टेबल, इसलिए नई बनने वाली टेबल के लिए सेकेंड रो बदलेगी, R2 न्यू जो आपकी होगी वो कौन होगी, वो होगी R2 ओल्ड में आप मल्टीप्लाई कर दो कितने का, 5/7 का, एक का, अच्छा अब ये तुमको कितना दिख रहा है 1, ऊपर कितना दिख रहा है 2/5, तो यहाँ 2/5 से मल्टीप्लाई करके ऊपर घटा दो, यानी R1 न्यू इज इक्वल टू R1 ओल्ड में से घटा दिया जाएगा, पुरानी वाली पहली रो से घटा दो
टू बाई फाइव टाइम्स आर टू न्यू, ये आपको करना है। टेबल बना लो, कुछ शुरुआत करें। अभी फिजिक्स वाले सर आ रहे हैं, इसकी क्लास है फिजिक्स में। चले शुरू करें, टेबल बन गई सबकी, बच्चा हो गया। मॉडिफाइड कर रहे हैं, बेसिस को छोड़ करके कौन गया ए टू, तो अपने साथ अपना कोफिशिएंट लेकर के जाएगा। ठीक, ए टू की जगह कौन आएगा, एक्स वन डैश, यहाँ आ गया एक्स वन डैश, और उसका कोफिशिएंट कितना, तीन, इधर तीन आ गया। यहां से लेकर के वहां तक पूरे में पांच बटे सात का क्या करना है, मल्टीप्लाई, तो पांच बटे सात का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, वन। पांच बटे सात का मल्टीप्लाई किया तो ये भी कितना हो गया, वन। ठीक, पांच बटे सात का करोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन, ये जीरो। पांच बटे सात गौर करना, पांच बटे सात, पांच से पांच कितना, माइनस फोर बाई सेवन, माइनस फोर अपॉन सेवन, पांच बटे सात। लेकिन सुनो, ए टू चला गया ना, तो ए टू का कॉलम अब नीचे दो बटे पांच से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले में से घटाओ, बोलना दो बटे पांच, ट्वेल्व बाई फाइव माइनस टू बाई फाइव, टेन बाई फाइव, पांच ये पांच पांच दोनों दस, आया ना, सबका ही आया है। अगला काम, टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करके घटाओगे तो ये कितना, जीरो। टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करके घटाओगे, ये बताओ, एक तो बना माइनस टू बाई फाइव, घटाओगे तो कितना, प्लस टू बाई फाइव बन जाएगा, तो ये भी कितना, जीरो, ये बंद रहेगा। टू बाई फाइव से मल्टीप्लाई करो कितना, टू बाई फाइव, तो चार दो आठ, माइनस एट अपॉन थर्टी फाइव, ऊपर वाले से घटाना है तो वन प्लस, सॉरी वन बाई फाइव प्लस एट अपॉन थर्टी फाइव। एक काम करो, पांच सात से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, सात एक के सात, सात बचे पैंतीस, प्लस एट अपॉन थर्टी फाइव, बोलो कितना, सात सात चौदह पंद्रह बटे पैंतीस, अब पंद्रह बटे पैंतीस को क्या लिख सकते हैं, थ्री बाई सेवन, तो ये हो जाएगा थ्री बाई सेवन। अब बाकी का काम, इसी पर रुको, अगला काम तुम लोग करोगे कुछ, एक टेबल और बनेगी आंसर आ जाएगा ना, एक टेबल बनेगी आंसर आ जाएगा, परेशान ना होना, लग जाएगा, ट्राई करना।